सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना और चोरी करना, यह तीनों आदतें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। इंसान की सफलता उसके हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में होती है। जो इंसान आपकी जीत के लिए खुद हार मान ले, उस इंसान से आप जीवन में कभी नहीं जीत सकते। महान व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होता और अभिमानी व्यक्ति कभी महान नहीं होता। आज का पंचांग 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 7:03 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आत्रा नामक नक्षत्र रात्रि 2:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:30 से 5:56 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, घर और रिश्ते से संबंधित चिंताओं की उदासी के कारण कुछ समय विचार करने के लिए निकालेंगे। अपने विचारों और सपनों को शब्दों, तस्वीरों या गाने में व्यक्त करें। स्वस्थ होने के लिए समय निकालें ताकि आने वाले दिनों में आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। आज अब धन और संपत्ति के मामलों में व्यस्त रहेंगे। रिश्तों में उत्साह की भावना है किंतु किसी भी तरह की प्रतिबद्धता से बचें। रोमांस आपकी प्राथमिकता रहेगी। किसी के रंग रूप पर न जाए, वो धोखा दे सकता है। किसी की संपत्ति पर न जाए, वो कम हो सकती है। ऐसे इंसान को ढूंढे जो आपको मुस्कुराने की वजह दे। परिवारजनों के साथ किसी मांगलिक कार्य संबंधित योजनाएं बनेगी तथा घर में उत्साह का माहौल रहेगा। आज कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी परंतु इसके उत्तम परिणाम भी मिलेंगे, इसीलिए पूरे मनोयोग से अपने कार्यों को अंजाम दें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कर्तव्य निभाने की कोशिश करें। परिस्थिति के अनुसार भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से अन्य लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार से आपको भी खुद की जरूरतों को अन्य लोगों के सामने रखने की कोशिश करनी होगी। विदेश से संबंधित निर्णय लेते समय काम का रूप और अपनी क्षमता दोनों को ध्यान में रखें। रिलेशनशिप से संबंधित लिए गए निर्णय के कारण परिवार के लोगों की नाराजगी का सामना होगा। किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है। सावधानियां, कोई भी कार्य करते समय लापरवाही ना करें। इस समय नुकसान होने की प्रबल स्थिति बन रही है। दूसरों की बातों में ना आकर अपने कर्तव्य को ही प्राथमिकता दें। अपने निकट संबंधियों के साथ रिश्ते में मधुरता बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक माहौल में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप ना होने दें। आज आप अपने चचेरे भाई बहन, साला साली या किसी सहकर्मी से मुलाकात करके उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपनी लव लाइफ के बारे में कोई खास निर्णय लेंगे। प्रेमी युगलों के लिए आने वाले कुछ दिन मस्त जाएंगे। अपने शौक को नजरअंदाज ना करें। आप खुश रहेंगे तभी अपने साथी को भी खुश रख सकेंगे। आज का दिन आपके लिए लकी है। आज आप में से कुछ की लालसा कामुकता भरे छड़ों की हो सकती है, लेकिन कुछ की प्राथमिकता धन और अन्य सामाजिक कार्य होंगे। भावुकता आपके रिश्ते को एक नया जीवन प्रदान करेगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सुखद छड़ों का अनुभव करेंगे। बस किसी भी तरह की प्रतिबद्धता से बचें। बात करते हैं करियर की। व्यावसायिक परेशानी के कारण आज काम में कुछ अस्पष्टता हो सकती है। अपने चाहने वालों की सलाह की सुनवाई करें और भावनाओं को भी व्यक्त करें। घरेलू काम जैसे टूटी हुई खिड़कियां या
लीक नल को ठीक करना भी आशा की प्राथमिकता है। एक विजेता की तरह सोचे अपनी कौशल को पॉलिश करें। अच्छा, आपका समय धन और संपत्ति आदि पर अधिक खर्च होने वाला है। इस समय रोमांस और पैसा आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्धताओं और कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। कुछ नए कार्यों की शुरुआत की भी संभावना है। जीवन में सफलता का रहस्य यही है कि हर समय सुनहरे मौके के लिए तैयार। बात करते हैं सेहत की। तनाव का प्रभाव आपकी पाचन प्रणाली पर भी पड़ेगा। योग का सहारा लें तथा हेल्थी खान पान रखें। किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है। आज का उपाय। आज आप घर के सभी सदस्यों के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।